नोनार सरकार पर श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन की कथा। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह संपन्न महारास लीला के भजनों पर खूब झूमे भक्तगढ़। खबर करहल से है, जहां नोनार सरकार पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा में आज कथा वक्ता चैतन्य किशोर कटारे ने भागवत की अनेक लीलाओं में श्रेष्ठतम लीला रास लीला का वर्णन करते हुए बताया कि रास तो जीव का शिव के मिलन की कथा है। यह काम को बढ़ाने की नहीं, काम पर विजय प्राप्त करने की कथा है। इस कथा में कामदेव ने भगवान पर खुले मैदान में अपने पूर्व सामर्थ्य के साथ आक्रमण किया है, लेकिन वह भगवान को पराजित नहीं कर पाया, उसे ही परास्त तो होना पड़ा। रास लीला में जीव का शंका करना या काम को देखना ही पाप है। गोपी गीत पर बोलते हुए व्यास ने कहा, जब तक जीव में अभिमान आता है भगवान उनसे दूर हो जाता है, लेकिन जब कोई भगवान को ना पाकर विरह में होता है तो श्री कृष्ण उस पर अनुग्रह करते हैं, उसे दर्शन देते हैं। भगवान श्री कृष्ण के विवाह प्रसंग को सुनाते हुए बताया कि भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विवाह विदर्भ देश के राजा की पुत्री रुक्मणी के साथ संपन्न हुआ, लेकिन रुक्मणी को श्री कृष्ण द्वारा हरण कर विवाह किया गया। इस कथा में समझाया गया कि रुक्मणी स्वयं साक्षात तो लक्ष्मी है और वह नारायण से दूर रह ही नहीं सकती। यदि जीव अपने धन अर्थात लक्ष्मी को भगवान के काम में लगाए तो ठीक, नहीं तो फिर वह धन चोरी द्वारा, बीमारी द्वारा या अन्य मार्ग से हरण हो ही जाता है। धन को परमार्थ में लगाना चाहिए, और जब कोई लक्ष्मी नारायण को पूजता है या उनकी सेवा करता है तो उन्हें भगवान की कृपा स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। श्री कृष्ण भगवान व रुक्मणी के अतिरिक्त अन्य विवाहों का भी वर्णन किया गया। इस समय नोनार सरकार धाम वृंदावनमय हो गया है, जहां हर कोई भगवान की कथाओं में डूबा हुआ है। कथाओं के दौरान सभी भक्तगणों के लिए भंडारा प्रसादी की व्यवस्था की गई। संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट।